नमस्कार हिमाचल, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों दसवीं का जो रिजल्ट है कब घोषित किया जाएगा, इसको लेकर हम आपके समक्ष बड़ी खबर लाए हैं। तो क्या ये खबर रहेगी, विस्तृत रूप से हमेशा की तरह आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मंगलवार को जारी होगा दसवीं का वार्षिक परिणाम। हिमाचल प्रदेश में जमा दो का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब छात्रों की निगाह दसवीं के परिणाम पर टिकी हुई है। बहुत जल्द बोर्ड की ओर से छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से दसवीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम मंगलवार यानी 7 मई को घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। हालांकि पिछले वर्ष बोर्ड की ओर से दसवीं का परीक्षा परिणाम 25 मई को जारी किया गया था। इस बार बोर्ड की ओर से लोकसभा चुनावों के चलते दसवीं व जमा दो के परीक्षा परिणामों को जल्द घोषित किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले 29 अप्रैल को जमा दो का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिससे छात्रों को शिक्षा के लिए अन्य संस्थानों में प्रवेश लेने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा दसवीं में प्रदेश भर के 95,000 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है, जिसके बाद बोर्ड की ओर से 7 मई को दसवीं का परीक्षा परिणाम जारी कर राहत दी जाएगी। हालांकि जानकारी के अनुसार पहले 5 मई को परिणाम घोषित होने की बात कही गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते रिजल्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से परिणाम घोषित करने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। बोर्ड की ओर से लगभग 90% तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से दसवीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं और बोर्ड की ओर से 7 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। तो प्रमुख रूप से यह है बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार को दसवीं का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए यह है बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।